कैसे आप लोग, मैं दुर्गेश जायसवाल। वो व्यक्ति जिनके यूपी टीटी पहले से पास है या सीटेट पास है या पिछली बार जिनका सुपर टीटी में नहीं हो पाया, तो या ऐसे व्यक्ति जो शिक्षक भर्ती परीक्षा या सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो इस समय अपनी तैयारी पे हम उम्मीद करते हैं अपना बेहतर दे रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी का सबसे उम्मीद जो मेहनत कस था उस काम में वो लगे होंगे। तो उसी क्रम में आज हम बात करते हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न आने हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए और सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है। पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हर जगह प्रारंभ हो चुकी है, हमारे यहाँ भी ऑनलाइन प्रारंभ है। थोड़ी तकनीकी समस्या की वजह से पूरी बड़ी जब लेबर नहीं मिल पा रही है, ये एक दो दिन के बाद यह बोर्ड जो है कई जगह और लगने वाला है, मतलब एक साथ कई स्टूडियो बनने वाले हैं जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोज उपलब्ध करा पाएंगे। उसी में थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वह आगामी 4 से 5 दिन के बाद या अगले सोमवार से शायद ये समस्याएं पूरी तरह से सुलझा दी जाएंगी और सुलझा भी ली जाएंगी। तो अब आते हैं, बात करते हैं आज हम अपने सहायता और भर्ती परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न ये है कि क्या पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, फिर साथ में सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं, जो मिलाकर 30 नंबर का अकेले, माने विविध सामान्य अध्ययन करंट अफेयर को अगर मिला लिया जाए तो अपने आप में 30 नंबर का जो सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा और अपनी एक राय देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो बड़े अंकों के हैं, जो ज़्यादा अंकों के प्रश्न आएंगे, उन पर सबसे पहले आप फोकस करिएगा, न कि उन प्रश्नों पे जिनके क्रमांक 5 नंबर के। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि पहले उनको रीजनिंग पढ़ा दिया जाए, पहले साइंस पढ़ ले, क्योंकि वो 5 नंबर 10 नंबर के सिलेबस के पीछे न भाग कर पहले वो चीज़ें पढ़ें जिसके अंक उन्हें ज़्यादा मिलने वाले हैं या जिसमें वो ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं, पहले उन विषयों को वो सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करें। हमारे यहाँ भी संस्था चली तो लड़कों को लगता है नहीं, पहले वो 5 नंबर की कंप्यूटर पढ़ लें, 5 नंबर की रीजनिंग पढ़ लें, 10 नंबर की साइंस को पढ़ लें, 5 नंबर की साइंस या टेक्नोलॉजी पढ़ लें। तो 25 नंबर की जगह आप पहले 125 से फोकस करो, माने 30 नंबर पे नहीं, पहले आप 120 पर फोकस करो, क्योंकि ये 5 नंबर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। कुछ लोग क्या लगता नहीं हो तो मैं पहले से पढ़ा, मुझे ये पढ़ना चाहिए, तो सफलता का ये पैमाना नहीं है कि पहले आपको जो नहीं आता जो आ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से नंबर आपके बाहर जाने नहीं पाए। कंप्यूटर के रेटा रेटा प्रश्न है, रीजनिंग मेरी गारंटी है कंप्यूटर कि 10 में से 10 आपको मिल लेता है, मतलब कोई माई कला रोक नहीं सकता। ठीक, अगर सब कुछ सही रहा तो, मतलब अगर जिंदगी इंग्लैंड बननी है तो कोई माई कला रोक नहीं सकता। एक बात, दूसरी बात है, अच्छा भी आपके कमेंट का जवाब हम अभी नहीं दे पाएंगे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा। अब आते हैं करंट अफेयर की बात करें, तो करंट अफेयर देखिए, अगर 2 वर्षों के पेपर का अध्ययन हम करते हैं तो 2 बातें समझ में आती है। देखिए, विविध पढ़ना है तो विविध कैसे पढ़ना मैं बताता हूँ, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है और अखबार पढ़नी है, बाकी किसी किताब के चक्कर में फोकस ना करें अभी, और अभी से करंट अफेयर ना पढ़े, क्योंकि परीक्षा भी कोई तिथि निश्चित नहीं है, इसलिए अभी करंट अफेयर रोक कर उतना समय आप सामान्य अध्ययन पर देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने परीक्षा के समय कुछ बेहतर कर पाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं अभी से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिए, तो अभी से अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे समस्या आपकी लोगी, मेरे लिए जन्म नहीं लेगी, इसलिए हम ये कहेंगे कि करंट अफेयर अभी न पढ़कर आप बाद में पढ़िएगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा किफ़ायती और महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो एक बात है हमारे और आपके सामने आ गई कि क्या सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में विविध में क्या पढ़े। देखिए, विविध में हम करंट अफेयर से जोड़कर आपको पढ़ाएंगे, जो वर्तमान में कभी करंट अफेयर जो घटना घटे उसे हमें जोड़ना। जैसे अभी जम्मू कश्मीर को ले लें, तो जम्मू कश्मीर 370 खत्म किया गया, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास, भूगोल, सारी चीज़ें, वहाँ की झील, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पर्वत और वहाँ की ग्लेशियर, कौन कौन सी नदी निकलती है, फिर वहाँ की इकोनॉमिकल क्या चीज़ें हुई, संवैधानिक क्या किया, उससे संबंधित सभी चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। मैंने करंट अफेयर के साथ साथ आप अपने विविध को भी और जीएस के भी पैटर्न को भी साथ में जोड़ कर पढ़ेंगे तो आप स्कोर और अच्छा कर पाएंगे। एक बात है, दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, करंट अफेयर बहुत सारे लोग उससे UPSC की तैयारी बना लोग कि PCS की जैसे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करंट अफेयर अगर 2 बार अभी तक सुपर टीटी का पेपर हुआ, पेपर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर टीटी का पेपर उठा दीजिएगा, तो 2 बार जो सुपर टीटी का पेपर हुआ है उस पेपर में हमने पूरी एनालिसिस की। जब हमने पेपर का एनालिसिस कर लिया तो मुझे एक बात एकदम स्पष्ट हो गया, एक बार तो ऑब्जेक्टिव हुआ, एक बार तो लिखित हुआ, लेकिन दोनों बार जो करंट अफेयर पूछा गया वो छान कर ऊपर से पूछा गया, गहराई में घुसा नहीं गया, ऊपर से उसमें से रचनाएं, नियुक्तियां, ये सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। ठीक,
जैसे कि देखिए हमने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के साथ साथ इतने पेपरों का अध्ययन किया ताकि जितने भी सामान्य अध्ययन के पेपर, पीसीएस के पेपर, लोअर पीसीएस के पेपर, उसके बाद पीजीटी, मतलब ऐसे सभी पेपरों का परीक्षाओं की जो कंडक्ट कराती है आपकी माध्यमिक के लिए या बेसिक के लिए, उन सभी का हमने अध्ययन और विश्लेषण किया। तो एक बात एक समझ में आई कि करंट अफेयर घुस कर नहीं पूछेगा, ऊपर से तैरता हुआ पूछेगा। इसलिए अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो भी आप निश्चित रहिएगा, गहराई में मत जाइएगा, क्योंकि आपको आईएएस और पीसीएस के लिए करंट अफेयर तैयार नहीं करना है। आपको प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के लिए यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ऊपर से पढ़िएगा, नियुक्तियां पढ़िएगा। और अभी सुपरटेट होना मार्च और अप्रैल में परीक्षा होगी आयोजित, उसके पहले भी संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम संभावना है। तो अभी आप उस पर फोकस ना करिएगा, अभी आप अपने जनरल स्टडी पे फोकस सबसे ज़्यादा करिएगा, ये बात आप नोट करके रखिएगा, ठीक। इसीलिए हम अपने चैनल पे जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें हम करंट अफेयर अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ाने से कहीं ना कहीं आपके समय से हम क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, या समय को हम तोड़ रहे हैं। हम ऐसा चाहेंगे नहीं, कदापि नहीं चाहेंगे हम, और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे, ठीक। तो एक बार आप भी दोनों साल के पेपर का अध्ययन कर लीजिएगा, आपके पास पेपर नहीं होगा हम आपको उपलब्ध करा देंगे दोनों साल के, मतलब जब ऑब्जेक्टिव था और जब रिटर्न था, दोनों, यानी 27 मई वाला भी और 6 जनवरी वाला, दोनों पेपर हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, मिलेगा कहाँ आपको पेपर, सबसे बड़ी समस्या ये है, आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, टेलीग्राम ऐप, और सर्च करिएगा दुर्गेश्वर बिना स्पेस दिए। जैसे आप दुर्गेश्वर सर्च करेंगे, ई-लर्निंग पे दुर्गेश्वर जुड़ जाएंगे, यहाँ आपको आगामी अभी आगे करंट अफेयर भी मिलना शुरू हो जाएगा यहीं पे, और हमारी चैनल की नोटिफिकेशन, नोट्स, वीडियो लेक्चर यहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से ई-लर्निंग पे दुर्गेश्वर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। अब आते हैं आगे हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। अब सामान्य अध्ययन के लिए अगर हमने पेपर उठा के देखें तो इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन मिला के टोटल 10 नंबर है। मतलब अगर सभी विषयों को बाहर दिया जाए तो 2×5 माने 10 नंबर में दो दो प्रश्नों का हिस्सा लगना है। तो अब क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको NCERT पढ़नी है, क्योंकि उसके बाद आप चाहे जो किताबें पढ़ें, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं और आपके यहाँ भी पढ़ते हैं, आप कहीं पढ़ भी रहे होंगे, तो आपको ये लगता है कि आपको ग्रंथ लिखवाया जाए, आपको पीसीएस की तरह तैयारी कराई जाए। कुछ कहते हैं तैयारी ज़्यादा कर लेंगे काम देगा ये, देखिए पढ़ने के लिए तो पूरी ज़िंदगी है, लेकिन सबसे सटीक वार करना माने कम समय में ज़्यादा नंबर अर्जित करना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए और आपके अभिभावक के लिए होगा। इसलिए आप ज़्यादा नंबरों के चक्कर में न भागकर आप वहाँ भागिएगा कि जाके तीर मछली के आँख पर लगे, न कि पूरी मछली मारनी है आपको। तो एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप NCERT पढ़िएगा। NCERT कक्षा 6 से लेकर 8 तक की एक बार NCERT आप पूरी पढ़ लीजिएगा, इतिहास, भूगोल, ठीक, और 9-10 की जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, इतना आप अगर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद किसी किताब पे हाथ लगाएंगे। अब ये प्रश्न उठता है, सर इस किताबों को पढ़ने में तो बड़ा समय लग जाएगा, हम कैसे इसको पढ़ें? उसके लिए मैं देखिए मैंने इसके लिए एक छोटा सा सलूशन लिया है। मैंने क्या किया, आपको कक्षा 6, 7 और 8 की NCERT किताब को मैंने नोट्स बना दिया। नोट्स कैसे मैंने बनाया, मैंने जैसे पहला अध्याय उठा लिया सौरमंडल, कक्षा 6 में सौरमंडल है, तो सौरमंडल में अब पूरा सौरमंडल तो पढ़ना नहीं, उसमें कहानियां भी तो हैं, मैंने उसमें से मेन पॉइंट उठाकर अपने नोट्स में नोट डाउन कर दिया, ताकि अब आपको पूरी 3 किताबें जितने पढ़ेंगे उतने में 10 पेज में पूरा कक्षा 6, 7, 8 की भूगोल खत्म। माने इतनी कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। एक बार नोट्स पढ़ लिया तो अब जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आपको रिविजन करना, मेरा नोट्स आपके लिए इनफ है एकदम। एक बार आप किताबें पढ़ लिए, कब कहेंगे सर मेरे यहाँ तो किताबें मिलती नहीं NCERT की, सही बात है। अगर आपके यहाँ NCERT किताबें नहीं मिलती, आपके NCERT किताबें नहीं उपलब्ध है, तो ई-लर्निंग पे दुर्गेश अपने टेलीग्राम पे आपको NCERT की सभी किताबें, SCERT की सभी किताबें जल्द ही उपलब्ध करा देगी। मतलब इस बात को भी आपको नहीं सोचना है कि आपको कहाँ से NCERT मिलेगी, अरे दुर्गेश सर तो भी जिंदा है, जब तक दुर्गेश सर है NCERT किताब की झंझट नहीं लेना है। आप PDF खोलते जाइए, कहानी है पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरे नोट्स तो आप ले ही रहे हैं, नोट्स आपने लिया आपके पास पहुँच जाएंगे, आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया आपके पास पहुँच जाएंगे, मतलब अब आपके पास हर हाल में ये नोट्स पहुँच जाएंगे। तो आपकी टेंशन आपकी खत्म कि सर अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, ये मामला आपका सुलझ गया, ठीक। अच्छा, लोग कह रहे सर नोट्स कैसे मिलेंगे, देखिए नोट्स के लिए मैंने नंबर लिखे हैं ऑनलाइन क्लास नोट 6306344367 पे, यहाँ पे नोट्स का नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस, सभी चीज़ आपको क्या है उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है, आसानी से 6306344367 दिख रहा है, चलिए, अरे शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं
अब आते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री को भी मैंने कक्षा 6, 7, 8 तीनों हिस्ट्री, जबकि जानते होंगे एनसीईआरटी में किस ईयर में 2 किताबें हिस्ट्री हो जाती हैं, वो सभी क्या किया मैंने, इसे भी क्या किया कुछ पेजों में समेट दिया। अब इसकी भी पीडीएफ आपको एक बार उपलब्ध करा देंगे। इस पीडीएफ के बाद आपको क्या होगा, अब कुछ भी नहीं करना है, अब आपको जो चीज़ें पढ़नी है एक बार अपनी बुक से पढ़ी, बुक नहीं भी पढ़ा मेरे नोट्स आपके लिए पूरी तरह से इनफ है, मतलब इससे ज़्यादा इससे बाहर से कुछ भी नहीं आना है। तो बस आप इसी के साथ तैयारी में लग जाइए अपने, क्योंकि जब आपको ये पता हो गया इसके बाहर से कुछ नहीं आना तो ज़्यादा पढ़ने से क्या मतलब, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको नोट्स तो मिलना है और आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएगी। और आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की घबराना एकदम नहीं है, क्योंकि आपकी इतिहास और भूगोल 2 दिन में तैयार हो जाएगा, 2 दिन में, क्योंकि हमने नोट्स बनाए हैं, हमने ग्रंथ नहीं लिखवाए। कारण क्या है, एनसीईआरटी से नोट्स पढ़ने पे एक फ़ायदा होगा, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि अगर गलत भी होंगे तो आप साक्ष्य के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाजार के किसी किताब को साक्ष्य के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब प्रश्न आया सर इसके अलावा पढ़ना हुआ तब हम क्या करें, आते हैं हम उसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं। उसके बाद हमने कई किताबों से मिलाकर आपको कुछ क्वेश्चन बैंक आपका तैयार किया, देखा मैंने आपका क्वेश्चन बैंक बनवाया, ताकि आप लगातार प्रैक्टिस में भी रहें, मतलब ये ना हो कि आपकी प्रैक्टिस छूटते जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आपको 40 सेट क्वेश्चन बैंक दिया, और एक बात का विशेष ख्याल किया कि जिस तरह हम भूलते हैं उस तरह आप भी भूलते होंगे। तो मैंने किया कि एक क्वेश्चन एक सेक्शन के बाद अगला सेक्शन में कुछ क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, ताकि आपको जब भी याद करना हो पढ़ना हो तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। दूसरी बात, मैंने एक बात का और ख्याल किया, एक एक लाइन में मैंने एक साथ कई प्रश्नों को तैयार कर दिया है, जैसे सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से मलेरिया की दवा बनती है। अब ऐसे कहते हैं सिनकोना वृक्ष की छाल क्या होती है, कुनैन होती है, फिर कुनैन किस काम आती है, मलेरिया के दवा में, मलेरिया की दवा किस वृक्ष से आती है, सिनकोना से। जो 3 लाइन था उसे हमने एक लाइन में ही क्लियर कर दिया, ताकि आपको ना समस्या रहे ना हमें समस्या रहे, क्योंकि आप बेहतर करेंगे तभी लोगों को बताएंगे। इलेनिक विद दुर्गेश बेस्ट, इनकी नोट्स इनकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। थोड़ी समस्या होती है, वीडियो क्वालिटी में कमी रहती है, लेकिन कंटेंट सबसे सॉलिड मिलता है और आपने भरोसा किया। सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद, दिल्ली, राजस्थान, इन जयपुर ऐसे क्षेत्रों से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वह व्यक्ति जो किसी ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन कर लिया है वहाँ पर जाने के बाद दोबारा हमारी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी नोट्स ले रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है, जैसे ये देख लीजिए, मैं हर एक बात आपको स्पष्ट करना शुरू चाहूँगा। जैसे हमने देखा एक डब्बा बनाया उद्योग, अब उद्योग से जितने प्रश्न आ सकते थे मैंने उसमें किया, फिर महापुरुष देख रहे हैं हमने क्या किया, किताबों आप कितनी किताबें पढ़ेंगे यार, हम तो हर किताब से निचोड़ निकालते रहते हैं। अब ऐतिहासिक व्यक्ति जितने व्यक्ति थे एक साथ आ गए, जैसे आर्यभट्ट, कौटिल्य, पाणिनि, यहाँ से क्वेश्चन था आपको याद होगा, और चंद्रगुप्त, चरक, मनु, नागार्जुन, बाणभट्ट, हर्ष, इस सभी इतने भी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी टॉपिक को हमने एक तरफ कर दिया, संस्कृति, महापुरुष, विदेशी आक्रमण, भारत के नाम, उद्योग, विवाह, कितने मतलब विवाह संबंध जितने प्रश्न आते हैं सब एक जगह कलेक्ट कर दिया, और ये भी 1000 प्रश्न, मतलब कुल मिला के हमने आपके लिए वो चीज़ें तैयार की ताकि आपको इलेनी बुद्धुर्गेश के अलावा अन्य किसी जगह भटकना ना पड़े। इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, सभी का समावेशन हमने किया है। अब इतना समावेशन मैंने क्यों किया, ताकि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े, किसी भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप अंतिम रूप से चयनित होकर जाएं, और आपका चयन होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और आप एनसीईआरटी किताबें पढ़िएगा सबसे पहला काम, उसके बाद बाजार से कोई किताब पढ़िएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं उपलब्ध हो पाती, अपने नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय ये आप शेयर कर दीजिएगा, कमेंट हम आपका लास्ट में पढ़ लेंगे। हाँ, अच्छा लगा, ठीक है, मानते हैं आप हमारे यहाँ पढ़ के आप सेलेक्ट हुए, 68,500 में भी थे आप लोग, ठीक, कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिएगा सभी को, जितने लोग आपके साथी हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग का बड़कपन है आप हमें बता रहे हैं, ठीक, और हमारा उत्साह और दोगुना होता जा रहा है, तो आप लोग की संख्या 1 होती तो अच्छा लगता, आप लोग काफ़ी लोग हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं, ठीक है, ये आप सबका बड़कपन और सबका आशीर्वाद है, मैं और बेहतर कर पा रहा हूँ। तो हम क्या कहाँ पे थे, तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा देंगे, और आप परेशान नहीं होइएगा, आराम से आप पढ़ते रहेगा, बहुत समय है आपके पास, एकदम एक एक कदम बढ़ाते चलिए और अपना बेहतर देते चलिए, और सफलता आपके कदमों पे जल्द ही आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या अगर आप हो तो आप हमें बताने का प्रयास करें, ताकि हम उस समस्या से
बाहर आपको पूरी तरह से खींच कर लाए ताकि आप अपना और बेहतर दे सकें। तो ये था मेरा ये क्वेश्चन बैंक का मामला, क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी की। और इन इसी तरह हम अन्य सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि हम आपको और ज़्यादा मैटर और सॉलिड मैटर हम जल्दी से जल्दी आपको उपलब्ध करा सके। अगर आपको कोई सुझाव या समस्या आ रही है या कोई आप बात करना चाहते तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी वजह से ही हम यहाँ पहुँच पाए हैं। और ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन नोट्स, सब कुछ हमारे उपलब्ध है, गेस पेपर देंगे, ठीक। तो आप अपने आप तक मैं पहुँचे मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन आप अपने ग्रुप में, अपने जनपद में, अपने सभी साथियों को बताएंगे तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को सभी साथियों तक पहुँचा देंगे। और हाँ, इसको हम आपको जल्द से पहुँचा, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो उम्मीद करेंगे आज शाम तक हर हाल में आपको ये नोट्स हम उपलब्ध करा देंगे ताकि आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें और आप अपना बेहतर और बेस्ट दे सके। और उम्मीद करते हैं एक साथ भी दे दें या आप कहेंगे तो हम एक एक सेट प्रतिदिन आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि आपकी पढ़ाई रुकने ना पाए और आप थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से पढ़ते रहिए और अपना बेहतर देते रहिए ताकि समस्या से आप दो हाथ आसानी से, चार हाथ आसानी से कर सके। और इसलिए एक किताबें अपने आप में नहीं बेहतर होती, और इसीलिए हम भी आपके लिए सदैव अपना बेहतर देते हैं, बेस्ट देते हैं ताकि मेहनत किया जा सके। मेहनत करके कोई स्कोप नहीं है, कोई परिणाम नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक समस्याएं नहीं सुलझेंगी। और आपके अंतिम रूप से चयनित होने के लिए आपका मेहनत करना सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए। तो बस शुरू हो जाइए आप भी अपना बेहतर देने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लिखित परीक्षा के लिए मैं बार बार बताऊंगा, आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैं ये बता रहा था, अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी नहीं मिल पा रही होगी बहुत सारे लोगों के पास, तो आप कुछ नहीं करिएगा, अपने यहाँ 6 से लेकर 8 तक की जो बेसिक में निःशुल्क किताबें चलती हैं वो किताबें इतिहास, भूगोल एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी से हूबहू मिलती हैं। और उसके बाद वो पढ़ने के बाद हम आपको अपना नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे जिसे आप पूरी तरह से तैयार करके पढ़कर आप और आगे अपना बेहतर दे सकते हैं और देंगे भी। हम इस बात की पूरी गारंटी है और इस बात का पूरा पूरा हमें विश्वास है कि आप अपना बेहतर देंगे और हम आपको अपनी एनसीईआरटी की नोट्स उपलब्ध कराएंगे। आगे भी नोट्स बनने का क्रम जारी है, जल्दी आप तक पहुंचेगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, इलेनी बिंदु के साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी नहीं मिले तो राज्य सरकार की अथेंटिक बुक्स पढ़िएगा, वो आपको आपके चयन में सबसे ज़्यादा सहभागिता दिखाएगा, सबसे ज़्यादा सहयोग करेगा। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।